अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, अब चाहे जो भी कहे हमको जमाना, कोई बनाए बातें चाहे अब जितनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तेरे प्यार में बदनाम दूर दूर हो गए, तेरे साथ हम भी मशहूर हो गए, देखो कहाँ ले आए देख दी अपनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। ओम शांति। घर में मना किया गया कि आप नहीं जा सकते, ऐसे समय आपके पास कहाँ है। तो जब वो बात अच्छी लगने लगी तो मजबूरन बिना बताए जाना पड़ा, और जाते हुए रोज जाना हुआ। धीरे धीरे माँ बाप को ये लगा कि इतना रोकने के बावजूद भी अगर नहीं जाना रुक रहा है तो क्या किया जाए। धीरे धीरे एजुकेशन लाइफ ख़त्म हुई, सर्विस करी इसलिए कि बाहर निकलने को मिले ताकि जाने का कुछ हो सके, फिर उसमें भी टाइम नहीं मिला तो कैसे भी करके गए, योग किया। कभी भी जैसे थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला, नहीं जा पाए तो बाबा ने किसी को भेजा, और ऐसे बड़ी सख्ती से बड़ी मम्मी ने रोकने का प्रयास किया। ये सोचा कि किसी ने कहा कि कुछ जादू टोने का प्रयोग किया जाए तो शायद रुक जाए, तो करवाने ही जा रही थी। लेकिन उनके मन में जैसे बाबा ने टच किया कि इतना करने के बाद अगर कुछ नेगेटिव हो गया तो जैसे उनके कदम रुक गए, और उन्हें भी दिव्य अनुभूति हुई कि जैसे मुझसे कोई कुछ कह रहा है। तो धीरे धीरे ऐसे ही उन्होंने पहले तो बहुत प्रयत्न करे, फिर जैसे धीरे धीरे एक बार एक बहन ध्यान में बैठी थी, उनका पाठ था संदेशी का, तो पहले ही उनसे हमने कहा कि दीदी आप ये बाबा से पूछ के आना कि बहुत प्रॉब्लम आती है, मम्मी बहुत कुछ कहती हैं। तो उन्होंने ध्यान में जाने के बाद हमने दीदी से पूछा, दीदी क्या कहा बाबा ने, क्योंकि मम्मी पीछे से आकर बैठती थी, बहुत डर भी लगता था उस समय और बहुत नाराज़ भी होती थी कभी कभी, और सेंटर पे रहने वाले हमारे जूते चप्पल छुपा दिया करते थे कि पता ना चले। तो उन्होंने कहा कि ये जो आज बच्ची के जीवन में जो आज कांटे हैं यही इसके लिए एक दिन फूल बनेंगे, लेकिन इसे सैन्य शक्ति बनना पड़ेगा। तो जैसे आज भी वो आवाज़, वो बहुत ही पुराना, बहुत दिन गुजर चुके हैं उस बात को, लेकिन जैसे लगता है कि जैसे वो बातें इतनी ज़्यादा सत्य सिद्ध होती जा रही हैं।